समीकरणों के हल। अलग अलग संदर्भों में बने समीकरणों से जवाब कैसे जानें? समीकरणों से जवाब जानने हेतु उन्हें हल किया जाता है। समीकरणों को हल करने के अलग अलग तरीके हैं। हम यहाँ कुछ तरीकों को जानेंगे। आलेखी विधि। आपने निर्देशांक ज्यामिति या ग्राफ में दो चरों वाले समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करना सीख लिया है। हम अलग अलग संदर्भों से बने समीकरणों को भी ग्राफ पर दर्शा सकते हैं और उनके हल के बारे में जान सकते हैं। अब हम हिरण और सारस के पैरों के संबंध पर बने समीकरण और उनकी आँखों के संबंध पर बने समीकरण को ग्राफ पर दर्शाकर देखते हैं कि उनके हल कैसे प्राप्त हो रहे हैं। उदाहरण तीन में सारस और हिरण के पैरों के संबंध पर जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था वह समीकरण है 4x + 2y = 180। क्योंकि कुल पैरों की संख्या 180 है और हिरण के चार पैर होते हैं और सारस के दो, इसलिए समीकरण बना 4x + 2y = 180। चलिए इस समीकरण के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं 180 × 4x के रूप में। उसके बाद हम लिख सकते हैं y = 180 × 4x पूरे के बटे दो, और हल करने पर y का मान मिलेगा 90 × 2x। y = 90 × 2x, यह जो हमें संबंध मिला है इसमें यदि हम x के अलग अलग मान रखते जाएंगे तो हमें उसके संगत y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। इसी से हम एक सारणी बना सकते हैं। यहाँ हम x के जो मान रखेंगे उन्हें लिखेंगे और उन मानों को रखने से y के जो संगत मान प्राप्त होंगे उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे, और इस सारणी का प्रयोग करके हम ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले x का मान 10 रखकर देखते हैं। सही से समीकरण एक ले लें और फिर हम कहेंगे कि समीकरण एक में x = 10 रखने पर, चलिए हल करके देख लेते हैं हम कितना मिलता है। y = 90 × 2×10, यानि आपको मिलेगा 90 × 20, तो y कितना हो गया 70। इस मान को अब हमें यहाँ रखना है। x बराबर हमने कितना रखा 10, देखिए इससे मिला उसके संगत हमें y का मान 70। बिल्कुल इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। समीकरण एक से y और x में जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है वह है y = 90 × 2x, इसे हमने समीकरण एक माना है। अब इसमें हम समीकरण एक में फिर से x का मान हम 20 रख रहे हैं। चलिए पहले यहाँ लिख दें कि हमने x का मान 20 रखा है। अब देखते हैं कि इसके संगत y का क्या मान मिलता है। तो y = 90 × 2×20 क्या मिलेगा, 90 × 40, यानी कि y का मान होगा 50। तो इसके संगत हम यहाँ लिख सकते हैं 50। बिल्कुल इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराते जाएं। x = 30 रखने पर y = 90 × 2×30, तो y = कितना हो गया 90 × 60, यानी कि y = 30। तो यहाँ देखिए आपने रखा x का मान 30, तो y का मान भी यहाँ मिला है 30। एक और एंट्री ले लेते हैं हम, x = 40 रख देते हैं। x = 40 रखने पर y = 90 × 2×40, और उससे हमें मिलेगा y = ये 40 × 2 = 80 हो रहा है, तो 90 में से 80 घटा देंगे तो y का मान मिलेगा 10। तो हमने रखा x का मान 40, तो y का मान मिल गया 10। अब हमें जो सारणी प्राप्त हुई है इससे हम आलेख बना सकते हैं। इसका आलेख आप देख सकते हैं। चलिए अब हम हिरण और सारस के आँखों पर जो संबंध से समीकरण बन रहा है उसको देखते हैं।
सारस की आंखें भी दो और हिरण की भी दो और कुल आंखों की संख्या 120, तो समीकरण क्या बनेगा? 2x धन 2y बराबर 120। बिल्कुल पहले की प्रक्रिया जैसे हम इसमें संबंध x और y में इस प्रकार स्थापित करेंगे कि हम लिख सकते हैं 2y बराबर 120 ऋण 2x और y बराबर हो जाएगा 120 ऋण 2x बटे 2, जिससे मिलेगा y बराबर 60 ऋण x। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फिर से x के अलग अलग मान रखने से उसके संगत हमें y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे, जिन्हें हम सारणी में नोट करते जाएंगे और इससे दूसरा आलेख प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान यहाँ भी हम 10 रख लेते हैं, पहले 10 ही ले लेते हैं। 10 रखने पर आप x के कुछ भी मान रख सकते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे मान रखें जिससे गणना करना आसान हो। तो y बराबर 60 ऋण 10, यहाँ आपको मिलेगा y का मान 50। तो x का मान 10 रखने पर हमें उसके संगत y का मान 50 मिला है। इसकी एंट्री हम कर ले, सारणी में x बराबर 10 रखने पर y का मान मिला है 50। फिर से समीकरण 2 में x बराबर 20 रख लेते हैं, इसमें कितना मिलेगा? y बराबर 60 ऋण 20, यानी कि y बराबर 40। हर बार 10, 20 जो भी आप मान रखेंगे उतना 60 में से कम होता जाएगा। तो x का मान ये कितना हो गया? 20, उसको रखने से y मिला है 40। चलिए आगे देखते हैं। हमें जो संबंध मिला था y और x के बीच में वो है y बराबर 60 ऋण x। इसमें ये समीकरण 2 हमने लिया हुआ है, तो चलिए समीकरण 2 में अब हम x का मान 30 रखते हैं, y बराबर 60 ऋण x के स्थान पर 30, यानी y का मान भी हो गया 30। तो x बराबर 30 लेने पर y भी हमें मिला 30। अंत में एक और एंट्री ले लेते हैं हम समीकरण 2 में x बराबर 40 रखने पर। कम से कम हमें तीन बिंदु लेने ही चाहिए, तीन बिंदुओं के निर्देशांक हमें चाहिए किसी भी आलेख को बनाने के लिए, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। y बराबर 60 ऋण 40, तो y का मान हो गया 20। x का मान 40 रखने पर हमें y का मान मिला है 20। तो अब हम इसका आलेख देखेंगे। आलेख खींचने पर हमने पाया कि जो दो रेखाएं हमें मिली उन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु 30-30 है। तो यही हिरण और सारस पक्षियों की संख्या भी है जो हमारे द्वारा पूर्व में निकाली गई है। करके देखें, आप x धन y बराबर 8 व x बराबर 3y को ग्राफ पर दर्शाकर हल निकालें।